सिद्धांत शिविर के समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे विभाग के सचिव श्रीमान कंग साहब, संयुक्त सचिव अवस्थी जी और इस क्षेत्र में काम करके विशेषतः योग्य कार्य करने वाले आदरणीय भारत सिंह जी और इस संस्था की डायरेक्टर श्रीमती नंदा चौहान जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, उपस्थित अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, रक्तदान का अत्यधिक महत्व है यह हम सब महसूस कर चुके हैं। मेरे जीवन में एक बार पत्नी का स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको खून की आवश्यकता हुई। ब्लड ग्रुप था ए प्लस बी, ए बी प्लस, बहुत कठिनाई से मिला। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे इसलिए बहुत सारी पहचान थी, तो कठिनाई से मिला परंतु मिल गया और उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ। उसके बाद हमको प्रेरणा मिली कि ये रक्तदान किसी के जीवन को देने का काम करता है, अर्थात जीवन दान के रूप में होता है, इसकी ओर हम सबको अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद मैंने भी पहले कई बार दिया था और उसके बाद और ज़्यादा मात्रा में ब्लड देने का काम किया। और मेरी पत्नी को जब खून की आवश्यकता थी तो मेरे सुपुत्र ने ये महसूस किया कि रक्तदान का अत्यधिक महत्व है। उसने 2 साल पहले तक 54 बार रक्तदान किया था। उसका नागरिक अभिनंदन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ और उन 2 सालों के बाद भी उसने दिया, पर उनकी संख्या मुझे नहीं मालूम है। वो 2 साल से मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक है, वो भी इस प्रकार के कामों में रुचि लेता रहता है। हमारे यहाँ नागदा में रेड क्रॉस सोसाइटी हो, लायंस क्लब हो या भिन्न भिन्न संस्थाएँ हैं, उनके माध्यम से भी रक्तदान का आयोजन होता है। अभी अभी लगभग 3 महीने पहले हमने मंदसौर में 1300 से अधिक लोगों का एक साथ एक ही स्थान पर एक दिन में रक्तदान शिविर आयोजित किया था। वैसे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने योग्य संख्या थी, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ तकनीकी आधार भी होते हैं। कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्लिप मिलती है, आगे जाके ब्लड देता है, फिर एग्जिट पर वो निकलता है, वो टीम आती है, वो उसकी एंट्री करती है और वो संख्या वो काउंट करके फिर करते हैं। आज शायद इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है, पर बड़ी संख्या में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। मैं जो रक्तदान करने आए हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी स्वस्थ रहें और उनके इस रक्त से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी जान जाने वाली है, जाने की स्थिति में है, उसको जीवनदान मिलेगा। आप और हम सब, हमारी प्राचीन परंपरा रही है एक दूसरे के कष्ट में एक दूसरे को सहयोग करने की, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर रहने की, उस परंपरा को निभाते हुए आज के इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग दें, समर्थन दें, आशीर्वाद दें और इस प्रकार का वातावरण बनाए कि भविष्य में रक्त की चिकित्सालयों में कहीं कोई कमी ना हो और रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो। आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ।